गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलायंस जियो के नया प्लान पर प्राइस जो हाइक किया गया है इसके बारे में। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है INDIE हिंदी टेक चैनल में। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि रिलायंस जियो जो है 150 रुपया प्राइस इंक्रीज़ की है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जियो फोन यूज़र के लिए फ़िलहाल किया गया है। जैसा कि अभी आप बगल वाले इमेज में देख पा रहे हैं, रिलायंस जियो जो है पहले जियो फोन रिचार्ज पर 749 रुपया में एक साल की वैधता देती थी, लेकिन ठीक इसके बगल वाले इमेज आप देख सकते हैं जहाँ पर इसी प्राइस को इनक्रीज़ करके 899 रुपया कर दिया गया है। मतलब ये कि अगर आपके पास जियो फोन है तो जियो फोन में अब 749 में जहां पर एक साल की वैधता मिलता था, वहां पर अब 899 आपको देना पड़ेगा। चलिए थोड़ा डिटेल में आपको दिखा देता हूं। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, रिलायंस जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम मौजूद है और यहाँ पर आप देख पाएंगे 1999 रुपया में 2 साल अनलिमिटेड प्लान प्लस जियो फोन अभी भी आपको मिल जाएगा। वही अगर आप 2 साल का प्लान नहीं लेना चाहते हैं तो इसके लिए 1499 जो पहले भी रखा गया था, अभी भी आपको 1499 ही देना पड़ेगा। इसमें आपको एक जियो फोन मिल जाएगा और 1 साल की वैधता के साथ प्लान मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर पहले जो 749 रुपया रखा गया था, वहां पर अब 1 साल के प्लान के लिए 899 रुपया आपको देना पड़ेगा, जो कि एग्जिस्टिंग जियो फोन यूजर के लिए है। मतलब पहले से जियो फोन है आपके पास तो अब आपको 899 रुपया में 1 साल के वैधता वाला प्लान लेना पड़ेगा। ठीक नीचे देखोगे तो यहां पर आपको डिटेलिंग भी नजर आ जाएगा, जो कि 1499 वाला 1499 ही है, लेकिन 899 कर दिया गया है 749 वाला का। तो आपने डिटेल के साथ देख लिया, प्रूफ भी देख लिया कि किस तरह से रिलायंस जियो जो है 150 रुपया इंक्रीज की है। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन यूजर के लिए। तो स्मार्टफोन यूजर के लिए खबर निकल कर यह भी आया है कि काफी जल्दी, मतलब बहुत जल्दी जो है रिलायंस जियो, एयरटेल और वी जो है यहां पर प्राइस को इंक्रीज करने वाली है। खबर निकल कर सामने आ गया है। अब देखो, प्रति साल जो है प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब लोगों को तो मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की आदत सी लग गई है, तो वो तो भाई रिचार्ज करेंगे ही। साथ ही साथ पहले इनकमिंग के चार्ज नहीं लिया जाता था, लेकिन अब इनकमिंग के लिए भी रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो देख सकती है किस तरह से यहाँ पर जो है सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ बातें हो बताने को तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकती हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।